नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। खबर छतरपुर से, जहां महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। आपको जानकारी दे दें कि छतरपुर जिले में देश की पहली अश्वारोही ऐसी नायक की प्रतिमा लगाई गई थी जो देश भर में अनूठी है। महाराजा छत्रसाल के नाम से छतरपुर जिले को जाना जाता है और यहाँ के मऊ सहानिया में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने 20 मार्च 2018 को प्रतिमा के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचकर इस कार्यक्रम को भव्यता दी थी। इस प्रतिमा की स्थापना करने वाली महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान की वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। इस वार्षिक आम सभा के दौरान पूरी यात्रा पर प्रकाश डाला गया और बताया गया कि पिछले 4 वर्षों में संस्थान ने महाराजा छत्रसाल की वीर गाथाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के सचिव राकेश शुक्ला ने पूरी प्रस्तावना रखी। इस बैठक में आरएसएस से राजेंद्र चतुर्वेदी, भालचंद नातू, विष्णुदत्त चतुर्वेदी, राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी, दिनेश कुमार तिवारी, संस्थान के अध्यक्ष भगवत शरण अग्रवाल, रघुराज सिंह परिहार, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भरत पाठक, नंदिता पाठक, उमेश मिश्रा, देवेंद्र अग्रवाल सहित अनेक महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आशीष ताम्रकार ने किया। महाराजा छत्रसाल जी की स्मृति के लिए शोध संस्थान बना है। इसके पहले भी एक समिति यहाँ पर बनी हुई थी और लगभग 30-35 साल से यहाँ पर काम चल रहा था। अपने माननीय प्रांत संघचालक जी श्रीनिवास जी के द्वारा हम लोग छोटे छोटे थे और अपने गांधी चौक, अपने गल्ला मंडी में एक छोटा सा भवन भी बना उसके लिए, लेकिन वो हमेशा हम लोगों को ये लगता रहता था कि कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। और हम लोग निकल गए 90 में। उसके बाद से मन में रहता था कि महाराजा छत्रसाल जी की स्मृति में कुछ होना चाहिए और स्थान था, लोग थे, यहाँ विद्वान की कमी तो नहीं है, बहुत विद्वान लोग हैं। तो उस समय पिताजी की भी इच्छा, मतलब अपने श्रीनिवास जी की इच्छा होती थी कि उसमें कुछ गतिविधियाँ चलें, काम हो, लेकिन हम लोगों के पास दायित्व तो अलग अलग प्रकार के दूसरे दायित्व थे, काम थे, इसलिए उतना समय उन सब कामों में नहीं होता था। जब कभी कोई एक आध साल में कार्यक्रम हुआ तो जो सहयोग हो सकता था हम लोग करते थे। उसी समय की टीम है, जो भगवत शरण जी हों या राकेश जी हों या अनुपम जी की भी आज उनका भी स्मरण करेंगे, अनुपम हमारे साथ में ही थे। उनको भी जब पवन जी यहाँ पहुँचे तो ये कहा गया कि भाई जितने नगर के लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, विद्वान हैं, जो इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सबको जोड़ना है और जोड़ करके उस काम को करना है। जब विभाग प्रचारक के नाते पवन जी यहाँ पहुँचे, चित्रकूट चुकी थे और वहाँ से इनका काम का शुभारम्भ था और लगातार वहाँ बड़े बड़े आयोजन कार्यक्रम ये देखते रहते थे। बड़े स्मारक बन रहे हैं, बड़ी मूर्तियाँ बन रही हैं और मूर्तियों की भी विशेष रूप से वहाँ रचना योजना होती थी, वो सब देखे तो इनके मन में ये भाव था। तो जब यहाँ पहुँचे तो हमने सहज रूप से ही इनसे कहा कि आप संघ के दायित्व का निर्वहन करते हुए एक काम कोई अतिरिक्त ऐसा करिए जिससे कि वहाँ के बुंदेलखंड के क्षेत्र के लिए विशेष काम हो और हमें ऐसा लगता है कि महाराज छत्रसाल जी की स्मृति में वो काम होना चाहिए, तो आप नियमित काम के अलावा जो आपके पास थोड़ा बहुत समय बचे वो इस काम में लगाएंगे तो अच्छा है। ये हमने उनको फ़ोन पर ही सुझाव दिया था और टीम यहाँ पर उन्होंने बनाई, लोगों को जुटाया, लोग जुट गए, काम हुआ और बहुत बड़ा काम हुआ, छोटा काम नहीं हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। एक संकल्प जो है परम पूजनीय सरसंघचालक जी पहुँचे वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, उस निमित्त पहुँचे। और एक जो स्थान गौरव की बात होती है, ग्राम गौरव की बात होती है, वो महाराजा छत्रसाल जी का दुनिया में, विश्व में कुछ भी होगा लेकिन जहाँ अब स्मारक बन गया, स्थान बन गया, जो मूर्ति बन गई जिनके द्वारा हो गई, तो आज जगह जगह मूर्तियाँ लग रही वो एक अलग बात है, लेकिन आज से 40 साल पहले जो मूर्तियाँ लगती थीं उनका एक विशेष स्थान होता था, उस स्मारक की भी एक विशेष महत्व होता था। वहाँ पर लोग जा कर के कुछ संकल्प लेते थे और उनसे प्रेरणा लेकर के चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। जिले के देश भर के भी छोटा कंट्रीब्यूशन, 5 रुपये 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन भी देश भर में सब लोगों ने जाकर किया और बड़ा कंट्रीब्यूशन भी हुआ और भगवान की कृपा से कोई अभाव नहीं हुआ, चीज़ें बन गई, पहुँच गई और परम पूज्य सरसंघचालक भी पहुँच गए, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक अच्छा निमित्त था हुआ।
अब उस स्मारक के आगे की जो गतिविधियां हैं, उसके जो काम है, उसमें बहुत सारे सुझाव आए होंगे, हम विलंब से पहुंचे हैं। अभी जो नाथू जी ने बताया वो भी एक संस्कार केंद्र या जो एक स्थान स्मारक क्षेत्र की विशेषता जो होना चाहिए, तो जिस क्षेत्र विशेष में स्मारक है उसके आसपास उसकी प्रतिभा और उसका जो एक वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन उसके आसपास में देखना चाहिए। तो 4-5 किलोमीटर में हम लोग काम करेंगे, जितने भी गांव हैं वहां के, उनमें शासकीय विद्यालय हो, खेती हो, पाती हो, रोजगार हो, मतलब जो भी कुछ लाइवलीहुड के लिए काम हो सकता है, उस मऊ सहानिया की पंचायत पहले एक पंचायत केवल शुरू में 2-3 साल एक पंचायत को लेकर काम करिए, उसके बाद में आसपास के 4-5 किलोमीटर के गांव लेकर काम करिए। बहुत सुंदर जगह है, बड़ा बांध है, स्मारक है, पर्वत है, वहाँ पे आसपास हनुमान जी का स्थान है, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ जो जोड़ी जा सकती हैं, और एक अच्छा संकुल, हाँ एक अच्छा क्लस्टर, एक अच्छा संकुल वो बन सकता है प्रेरणा की दृष्टि से। तो महाराजा छत्रसाल जी का स्मारक प्रेरणा स्थल, और वहाँ पर विद्यालय के बच्चों को प्रेरणा भी मिले, बड़ों को भी प्रेरणा मिले, और जो भी वहाँ जाए उनको एक आनंद की अनुभूति हो। इसलिए भव्य प्रतिमा और पीछे का जो बैकग्राउंड है पर्वतों का, तो एक कहीं पे भी लगा देंगे चौराहे पर तो वो चीज नहीं मिलेगी। मैं ये चाहूंगा कि महाराज छत्रसाल जी की पुण्यतिथि में छत्रसाल चौक से उनकी गद्दी तक यदि एक सुनियोजित और भव्य यात्रा निकाली जाए, जिसमें शहर के बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हैं उनका भी सहयोग ले लिया जाए, उनके बच्चों को भी खुशामंत्रित किया जाए, तो शायद हमारे शहर के बहुत सारे अभी छात्र हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो महाराज छत्रसाल के व्यक्तित्व से परिचित नहीं है, शायद उस चलित रैली के माध्यम से जो कम से कम 1-1.5 घंटे की समय लग जाएगा, तो उससे काफ़ी कुछ बच्चों में प्रभाव पड़ेगा। और मैं चूँकि महाराज छत्रसाल के नाम से कॉलेज संचालित करता हूँ, मैं ये वचन देता हूँ हर वर्ष 11,000 रुपये का सहयोग स्मृति शोध संस्थान को हमेशा देता रहूँगा। जब भारत में प्रथम मनुष्य का जन्म हुआ तो हिमालय का और मानव का जन्म साथ साथ, और उसी समय से ये, और इस बात को हम ही नहीं कहते हैं बल्कि जर्मन का एक बरेल वैज्ञानिक भूगर्भ शास्त्री उसने भी कहा है कि मैन एंड हिमालय कि जब भारत इसका विलय का अंक हुआ तो मनुष्य और हिमालय का जन्म साथ साथ हुआ, इसलिए भारत मानव का पूर्वज कह सकता है, मानव सभ्यता का भी पूर्वज कह सकता है। तो इस राष्ट्र में, इस भारत राष्ट्र में जब जब और इस प्रकार की स्थिति हुई कि पापाचार बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, तब तक परमात्मा ने किसी ना किसी रूप में अवतार लिया। जब इस राष्ट्र पर मुगलों का, औरंगजेब का जो सत्ता थी वो फैलती चली जा रही थी, अत्याचार दुराचार का पराकाष्ठा पर थी, उस समय महाराज छत्रसाल का जन्म सारंगा और चंपत राय के उसमें हुआ, एक और उनके दायित्व ही था, वो इसलिए अवतरण किए हुए थे कि वो इस बुंदेलखंड का और कष्ट हरण करें। तो वास्तव में महाराज छत्रसाल जी की शोध संस्थान जितना कार्य किया गया, अब जैसे इसे आया था कि एक छोटे से लेकर बड़े तक, मतलब एक आम व्यक्ति से लेकर देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक विषय पहुंचा, तो हम सब अगर स्मरण करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिस प्रकार देश भर के अंदर स्वामी विवेकानंद जी को लेकर के भी इस प्रकार का विषय प्रारंभ हुआ था और वो एक स्मारक तैयार हुआ, ठीक आज हम इस बुंदेलखंड के अंदर ये जो अपनी शुरुआत हुई है तो ये बुंदेलखंड तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, ये देश के कोने कोने तक इसका संदेश प्रारंभ हो चुका है, उसके हम परिणाम भी देखना प्रारंभ किए हैं। किसी भी संस्था को प्रारंभ करने के पहले, शुरुआत करने के पहले सब प्रकार का चिंतन मंथन होता है, और उस मंथन का जब परिणाम निकलता है मथने के बाद तो एक सकारात्मक निकलता है। आज हम सुनते भी हैं चर्चा, भाई साहब ने कहा, विनोद जी ने, कि शोध करना चाहिए, शोध का विषय है कि बुंदेलखंड का पानी तेज क्यों होता है, एक ये विषय भी शोध का है, उसके पीछे कहीं ना कहीं महाराज छत्रसाल की ही देन है। हम सब जो सुनते हैं सब स्थानों पर
बुंदेलखंड का पानी तेज क्यों है, उसके पीछे महाराज छत्रसाल की, यही सबसे विशेष शोध का है कि हमारे रग रग में उनका खून है। और हम जो कहते हैं हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, ठीक उसी प्रकार बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा छत्रसाल के रूप में है। और हमको इस शोध संस्थान के माध्यम से सिद्ध भी करना हो भी रहा धीरे धीरे करके। महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान ऐसा नाम हो गया है जो आने वाले भविष्य में अनेक कार्य करेगा, मेरी ऐसी भावना है और इच्छा भी है। आदरणीय पवन जी से मेरी बहुत पहले मुलाकात हुई थी, शायद मैंने पवन जी को बोला था बुंदेलखंड में जो कार्य महाराज छत्रसाल जी को लेके होना चाहिए था, कल्पना तो हम लोग किया करते हैं शिवाजी महाराज से, तुलना भी कभी कभी मन करता है, वहाँ काम उन्होंने किया तो यहाँ तो उससे कम कहीं नहीं है। तलवार के साथ कलम के भी धनी थे महाराज छत्रसाल जी, बहुत बड़ी महान हस्ती थे, एक अवतार, शाकुंडल सखी का अवतार हमारे प्रणामी समाज में माना जाता है। शाकुंडल सखी ऐसा मानते हैं परम धाम का रिश्ता है जहाँ सब सखियाँ हैं, उस नाते अलग ही बहुत छोटे रूप में है लेकिन बड़ी बात है। हमारे यहाँ एक ही जयकारा चलते हैं, सबसे पहले प्राणनाथ प्यारे की जय, ये चलता है लगभग मुझे लगता है 17-18 देशों में और 2-4 प्रांत छोड़ करके पूरे भारत में हजारों मंदिर प्रणामी समाज के, करोड़ों अनुयायी हैं। दिन में जब भी कभी प्राणनाथ प्यारे की जय होगी तो अधूरी रहती है जब तक दूसरा जयकारा महाराजा छत्रसाल की जय ना बोला जाए। इतनी जगह जहां भी प्रणामी रहता है अधूरा है, प्राणनाथ प्यारे जय अकेला नहीं लगते, महाराजा छत्रसाल की जय एक जोड़ी है, उनको आध्यात्मिक स्वरूप पे भी हम लोग मान्यता देते हैं। पिछले 21 मार्च को 2 वर्ष पूर्व और एक महान हस्ती ने मोहतानिया में महाराजा छत्रसाल की इतनी बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया और आगे भी ये जो हमारा न्यास है ये न्यास इस भाव को और आगे बढ़ाएगा। और चूंकि उसके पीछे भाव अच्छा है, उसको इस विचार को प्रारंभ करने वाले, उसमें साथ निभाने वाले और सब अच्छे भाव के लोग हैं, इसलिए आने वाले समय में भी और इस न्यास के द्वारा भली भांति पूरे समाज का सहयोग लेकर और काम होगा। अभी कुछ लोगों का जैसे सुझाव आया कि शोध के रूप में और संस्कार केंद्र के रूप में, उसी प्रकार मेरा ऐसा विचार है कि इस पूरे समिति के द्वारा और भी लोगों से सहयोग लेकर उस मोहतानिया के आसपास के लोगों में के माने गांव के लोगों में या वहाँ मोहतानिया कस्बे में किस प्रकार के विसंगतियां हैं, क्या क्या उनमें गलत आते हैं, इसका थोड़ा सा अध्ययन करके और उस को ध्यान में रखते हुए उस केंद्र पे और एक ठोस स्थाई एक ऐसा कोई सेवा प्रकल्प वहाँ पर चालू किया जा सकता है तो उससे भी उस पूरे आसपास के 10-25 गांवों को लाभ होगा। और जैसे हम लोग कहते हैं कि गीत में बोलते हैं परम वैभव मातृभू का लक्ष्य ले, शीघ्र सारे क्षेत्र सब जग के व्याप्त हो, सुमति उन्नति शांति से जीवन सभी का तृप्त करने। तो हम लोग का ये जो व्रत है ये संपूर्ण आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, संपूर्ण जगत के हित के लिए है और तभी हम सबको मोक्ष मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए और ये जो हमारा जो न्यास है इस सबको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो न्यास है ये जो प्रारंभ इसका जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुआ, इसमें जो साथ में जो काम करने वाले हैं वो किस भाव को लेकर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी
सर्व कर्म फल त्याग की भावना को प्रधानता देते हुए हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा को इस बड़े लक्ष्य के सामने तिलांजलि देते हुए अगर काम करेंगे तो यह जो महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान है ये चिरस्थायी होगा। आज का दिन आपके बोलने एवं मेरे को सुनने का समय दिया, लेकिन आप सबके अधिक प्रयासों से फिर 4 वर्षों से इस संस्था को जो सहयोग आप लोगों द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिसकी वजह से संस्थान ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसके लिए हम आप सबके आभारी हैं और हृदय से अभिनंदन करते हैं। मैं इस मंच से संस्थान के पूर्व अध्यक्ष भैया अनुपम अग्रवाल को भी, जिन्होंने इस स्मृति कार को प्रारंभ किया था, उनका स्मरण करते हैं। संस्थान के संरक्षक आदरणीय जीतन सिंह जी बुंदेला को स्मरण करते हैं, जिन्होंने सदैव इस कार्य को गति प्रदान करने में सहयोग किया। मैं सभी अतिथियों, सभी भाइयों, सभी पधारे सभा में सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम, और अगर अब तक आपने YouTube पर हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, Facebook पेज को भी लाइक कर लें ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहें। नमस्कार।